इधर मेरे से भाई और बुजुर्ग युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सब इस इलाके के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आप लोगों ने भी कोई भी प्यार में कभी नहीं छोड़ी है। थैंक यू बेटा, तुम्हारा भी पोस्टर देख लिया मैंने, थैंक यू। हाथ से बना के रखा है, धन्यवाद। हमारे मंच पर बैठे हुए श्री श्री 1008 तीर्थगिरी जी महाराज और हमारे राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी और सांसद देव जी पटेल, प्रदेश महामंत्री रामचरण जी और विधायक बाबूलाल खराड़ी और पूर्व विधायक समाराम जी गरासिया आ रहे हैं मंच पे, और पूर्व डीजीपी श्री जीपी मिश्रा जी, धर्मनारायण जी और जिला अध्यक्ष नारायण जी और प्रधान हमारे भवनलाल जी और उपस्थित सब भाइयों, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जगसी राम जी ऑल्सो, सबको धन्यवाद देने से मैं अभी जहां से निकल रही हूँ वहां से बरसात आ रही है, फिर धूप आ रही है, फिर बरसात आ रही है, फिर आंखों के बीच में अभी बरसात खत्म हो के धूप के बीच में सबसे मुलाकात हो रही है। जगह जगह पे लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि पहली बरसात आज हो रही है, किसान खुश हो रहा है, सब लोग खुश हो रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि रास्ते भर मेरे को लोग मिले, भीग रहे, बिल्कुल गीले हो गए, बरसात जोर से पड़ रही है और रास्ते से टस से मस नहीं हो रहे हैं। सब भाई खड़े, सब रास्ते पे खड़े, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आप लोग रास्ते पे खड़े हो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अभी तो नहीं, हम तो 9 बजे से खड़े हुए हैं और हम तो और देर लगाएंगे, आपको चाहिए तो और 2 घंटा खड़े होने को तैयार है, परंतु हमको ये सरकार से छुटकारा पाना है। कुछ भी करो, हमको इस सरकार से छुटकारा दो। उस बरसात के अंदर लोगों ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की और मैं आप लोग सबको यही कहना चाहती हूँ कि बात जो थी वो उदयपुर में, कोटा में, भरतपुर में, अजमेर में, आपके इस क्षेत्र के अंदर बात वही है। सब लोगों से पूछा गया तो सब लोगों ने मेरे से सबसे पहले यही कहा कि पेयजल की हमारी बहुत समस्या है, उस पेयजल का इंतजाम करो। किन्हीं किन्हीं लोगों ने मेरे को कहा कि टंकी की और पाइपलाइनों की हालत बिल्कुल खराब है, स्वरूपगंज के अंदर हम लोगों को पानी नहीं मिलता है, फिर पिंडवाड़ा में भी 48 घंटे पानी की परेशानियां हैं और हमारी सरकार ने जो 2 करोड़ रुपया दिया था वहां नई पाइपलाइन बिछाने के लिए और ओवरहेड टैंक बनाने का काम किया था, उसके बाद मामला आगे ही नहीं बढ़ा। हम तो कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने काम करके छोड़ दिया था वहां से लोगों को आगे ले जाने की जरूरत थी, पाइपलाइन और बिछाने की जरूरत थी, गांव में पानी ले जाने की जरूरत थी, परंतु ये काम नहीं हुआ है। और नगर और देहात में पेयजल की कमी पूरी करने के लिए मैं मानती हूँ कि सही बांध का पानी लाने की हमको जरूरत है, कि सही बांध का पानी अब अगले चरण में लाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। वैसे ये आप लोग अब 4.5 साल हो गए, मुझे लग रहा था कि हम जहां तक आ गए थे उसको छोड़ के अगर इस सही बांध के पानी को सोच करके थोड़ा सा आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर देते तो गांव के अंदर और सिंचाई के लिए कुछ तो पानी इसका कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता, परंतु कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसा था वैसे की वैसे ही छोड़ने का काम इन लोगों ने कर दिया है और उससे मुझे बड़ा दर्द है। बिजली की नियमित कटौती को छोड़ो, इसके अलावा इतनी जोरदार ट्रिपिंग है कि जगह जगह पे लोगों ने हमको बोल दिया कि बिजली आती नहीं है। किसानों ने कह दिया कि हमको 3.5 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है और वो भी ट्रिपिंग के साथ, तो हम अपने क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। क्या ये सही है? किसान को बिजली मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या? क्योंकि मैंने 4.5 महीने क्षेत्र के अंदर निकाला है, मैं धूप से कड़क गर्मी से इस पानी में भीगते हुए पूरे प्रदेश के अंदर घूमी हूँ। 1 हफ्ते के अंदर जोधपुर की मीटिंग हो जाएगी और ये समझ लो कि अपन ने 7 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। खाली उत्तराखंड के समय जो 4 जिले रह गए थे, एक डेढ़ जिला रह गया था, उस डेढ़ जिले को मैं 8 से 12 तक निपटाऊंगी, वहां लोगों से मिलने का काम हो जाएगा, तो मेरा पूरा राजस्थान कंप्लीट हुआ। अब हर एक गांव के अंदर पानी की किल्लत या फ्लोराइड की किल्लत या खारे पानी की किल्लत, अब ये अभी तक हम लोगों ने 4.5 साल के अंदर अगर ठीक नहीं किया है तो मैं सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि कब करेंगे। आज रोज पढ़ने को मिलता है, रोज अखबार में आता है कि हमने तो ये काम कर दिया और हमने ये काम कर दिया और ये काम कर दिया, और क्षेत्र में जाओ तो वो काम नहीं हुआ। अब
मैं फिर आपसे पता करती हूँ कि पिंडवाड़ा के सामुदायिक केंद्र में 7 की जगह में सिर्फ 2 डॉक्टर चल रहे हैं, सिर्फ 2 डॉक्टर, और फिजिशियन नहीं है, सर्जन नहीं है, महिला विशेषज्ञ नहीं है, एक्सरे ईसीजी जैसी कोई भी सुविधा नहीं है, सब ठप पड़े हुए। और स्वरूपगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं की आबादी के हिसाब से अपर्याप्त है, वो लोग कहते हैं अब इसके लिए हमारा कुछ इंतजाम करिए, ये अभी कुछ नहीं किया है। और एक साथ ये कह रहे हैं रोज अखबार के अंदर कि हम लोग यहाँ मुफ्त दवाई दे रहे हैं, हम मुफ्त जांच करवा रहे हैं, या पूछो किसी से किसी को मुफ्त जांच मिल रही है क्या? मुफ्त जांच किसी को मिल रही है वहां? मुफ्त दवाई मिल रही है क्या किसी को? और अगर 2 दवाई मिल गई तो जितनी दवाई यहाँ मिलनी थी वो नहीं मिलती है। मैंने यहाँ देखा, अभी मैं झुंझुनू से निकल रही थी तो झुंझुनू में ये मुफ्त दवाई का एक इंजेक्शन लगाने की बात चली तो वहां छापा पड़ा उस अस्पताल में, वो इंजेक्शन तो था पर उस इंजेक्शन के अंदर कांच भरा हुआ था। अब वो कांच भरा हुआ इंजेक्शन अब गरीब आदमी को आप दोगे तो उसकी क्या स्थिति होगी? एक तरफ तो कह रहे हो कि हम तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र के अंदर चले जाओ तो मालूम पड़ेगा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसी तरीके से कह रही हूँ बिजली के लिए, आप बिजली की बात कर रहे हो, गांव गांव के अंदर लोग मेरे को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम लोग अपना काम करेंगे तो कैसे करेंगे जब ये 8 घंटे बिजली हमको मिलती नहीं है। अब मैंने पता किया तो 30 घंटे की बिजली की कटौती आपके बिल्कुल जयपुर के पास सांगानेर क्षेत्र के अंदर 30 घंटों के लिए 30 गांव की बिजली गई। अब बताओ जयपुर के अंदर ये काम हो रहा है तो आप लोग कहां हो, कौन सोचेगा आपके बारे में? जयपुर के अंदर ये स्थिति है। मैं सफदूर ये लोगों को कह के थक गई हूँ कि क्या है कि अखबार के अंदर जो आप लोग रोज निकालते हो उससे कोई फायदा नहीं होना, जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं दिलवाएं। ये सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है तो उसका सबसे पहले ये काम है, और मैं देख रही हूँ ये काम नहीं हो रहा है। बिजली के ये तो ऐसे जोरदार बिल आ रहे हैं कि लोगों ने मेरे से ये कहा कि इन बिलों को रोकिए, ये VCR हमने क्या भराया जाता है, उस VCR के द्वारा जो बिल 1000 रुपए का होता है वो 10,000 का दिखाते हैं, और कई तो मैंने देखा तो लाखों के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहता है कि हमें तो बिजली नहीं चाहिए, आप कनेक्शन ही ले जाओ, क्योंकि अगर कनेक्शन से हमको लाख लाख दो दो लाख रुपए देना पड़ रहा है तो इससे तो अच्छा ये है कि हमारा कनेक्शन ही ना। ये स्थिति है आज गांव के अंदर। मैं गांव के अंदर होके आ रही हूँ तो मेरे को ये बताया गया, एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था अभी रस्ते में, कि 55,000 रुपया दे रहे हैं और 1,00,000 माने मकान बनेंगे राजस्थान के अंदर BPL परिवारों के लिए। किसी को मिला? किसी को मिला यहाँ? किसी को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं ये बीकानेर की कहानी है, जब मैंने पता किया तो गरीब लोगों के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि आप आके किस्त ले जाइए। 125 ऐसे BPL परिवार थे जो कलेक्टर के पास गए और अपना पहला किस्त लेके आ गए, और पहले किस्त लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने बिल्डिंग को तोड़ दिया, अपना जो कमरा था उसको तोड़ दिया। पुलिस पूछा इन लोगों से कि आप लोगों की जो कुठरिया है, पहले तो लाए उन्होंने एक किस्त के बाद उन्होंने अपनी जो कोठरी थी उसको तो किया खत्म, और कोठरी खत्म करने के तुरंत बाद वो गए कि भाई आपको सेकंड किस्त दे दो। दूसरी किस्त डिले हो गई जैसे हमेशा होती है कलेक्टरों के यहाँ, और जब डिले हो गई तो बरसात आ गई। अब बरसात भी आ गई, कमरा भी टूट गया, दूसरी किस्त भी नहीं आई, किराए पे जाके रह रहे हैं बेचारे। तो ना तो उनको पैसा मिला और गांठ से और पैसा निकाल के किराया देना पड़ा, और किराया दे के बस वहां बैठे हुए, किसी को नहीं मिल रहा है, पर पोस्टर लगे हुए जोरदार जगह जगह पे अखबार में आ रहे हैं कि हमने ये काम कर लिया है। अरे मैं 1,00,000 बिल्डिंग कहां बने हैं, कौन से कमरे बने हैं, आप हमें ये बताइए। इतना सारा जनता का पैसा कहीं पोस्टर में, कहीं एडवर्टाइजमेंट में, कहीं विज्ञापनों में जो लगा रहे हो, अगर ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है ये जनता को, जनता के पानी और मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए लग जाता तो मैं समझती कि कोई मुसीबत ही नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता है, जनता के वोट ऐसे नहीं मिलने वाले। अगर किसी ने ये सोच लिया कि बस हम बेटे बड़े बड़े पोस्टर लगा दें तो कोई काम ही ना करे, खाली पोस्टर ही लगाए और पैसे ही खर्च करे, जो सरकार आएगी अगर वो जनता का पैसा 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ किस तरीके से इस्तेमाल कर देगी, तब जनता का पैसा जनता के ऊपर नहीं लग रहा है, ये भ्रष्टाचार है। क्योंकि सरकार के अंदर रहने के लिए अगर इस तरीके का काम कर रहे हो तो भ्रष्टाचार है, क्योंकि जनता का जेब का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैंने सबको कह दिया, अभी मैं आपके आबू रोड से निकली थी तो
तो आबू रोड के अंदर एक झुंड खड़ा हुआ था और सब लोगों ने आके मेरे को ये कहा कि आज अखबार आपने पढ़ा, एक बहुत बड़ा उसमें विज्ञापन आया हुआ है कि सरकार ने मजेदार काम कर दिया, पहली बार राजस्थान के अंदर 2.5 लाख पट्टों का इंतजाम लोगों के लिए कर दिया। तो वो खड़े हुए थे वहां, तो उनने कहा आपने पढ़ा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मैंने फिर अखबार देखा। उनने कहा साहब हम इसलिए आपके लिए खड़े हैं कि हमारी पूरी कॉलोनी की कॉलोनी इन लोगों ने तोड़ दिया है, रात को आके झुंड के झुंड उनके वो बुलडोजर वगैरह लगा लगा के हमारा कर रहे हैं और हम लोग 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। फिर मैंने कहा ये तुम कह रहा है कि आपको पट्टे मिलने चाहिए, जो लोग वहां रह रहे हैं उनको तुरंत ही पट्टे मिलने चाहिए, क्या हो रहा है? तो उनने कहा साहब हमारे तो नहीं मालूम, एक पूरी की पूरी जमीन खाली कर दी है। तो समझ में आ गई कि इनको तो बेचारे गरीबों को तो हटा दो, जिनके लिए आपने कहा था 50-50 साल वाले जो बैठे हुए यहाँ उनको पट्टा हम देने वाले हैं, उनको नहीं देने का है, पर रातों रात भू माफिया को देने की तैयारी आप लोग कर रहे हो। यही बात हो रही है पूरे राजस्थान में हो रही है और गरीब के पट्टे के नाम के ऊपर आप तिलक लगा रहे हो। कैसी सरकार है ये, कौन से लोग हैं? और उसमें आपने सबको इस्तेमाल कर लिया, आपने उसमें पुलिस वालों को भी इस्तेमाल कर लिया, आपने उसमें अपने जो वहां की जो प्रशासन है उसको भी इस्तेमाल कर लिया, सबको इस्तेमाल करके गरीबों को तो बेदखल कर रहे हो और इतने बड़े बड़े विज्ञापन देके बोल रहे हो कि 2-2 लाख पट्टे हमने गरीब जनता को दिया। एक गरीब जनता को नहीं मिला है, ये तो ऐसे लोगों को मिला है जो इनके साथ मिले हुए हैं और जो भूख माफिया के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं भीलवाड़ा से निकली थी भाइयों, और भीलवाड़ा में कहीं एक गाँव में जा रुकी थी, गांव वालों ने रोक के मेरे को ये कहा कि ये शहरों की तरफ जो जा रहा है प्रशासन, ये हमारे नाक में दम कर रहा है। या क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने ये बताया कि साहब इनका ये जो प्रशासन गांव की ओर जा रहा है उसमें ये रात रात को क्या पट्टे बांटते हैं। हमारे सब लोगों ने ये कह दिया कि 38 पंचायत है इस क्षेत्र के, 38 पंचायत में से खाली 11 पंचायत को बुलाया, मैंने 27 पंचायतों को तो अलग ही कर दिया, और रात के 12 बजे से 3 बजे तक ही कौन से पट्टे दे रहे हैं, कौन सा पट्टा दे रहे हो रात के 12 बजे? क्या होता है, कौन आता है गांव के अंदर, कौन सी मीटिंग है रात को 12 से 3 बजे तक? और ये भू माफिया नहीं है तो किसको दे रहे हैं आप? अपने भाई भतीजा बात नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, ये तो मेरे को बताएं। 18,000 करोड़ रुपया आप लोगों का जो आपके बजट का होता है उसमें से करीबन 18,000 करोड़ ऐसा होता है जो खर्चा ही नहीं किया जाता। इसका मतलब अगर आप देखो कि 72,000 करोड़ रुपया 5 साल के सही तरीके से हम लोगों ने अगर खर्च कर दिए होते तो आप लोगों की क्या परिस्थिति बनती। पानी के लिए मैं पैसे के बताती हूँ आपको, 2010-2011 के अंदर आपको 330 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, उसमें से 306 करोड़ रुपए लैप्स होके वापस चले गए, सरकार ने खाली 24 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया, 330 करोड़ रुपया। अरे मैं पूछना चाहती हूँ क्या हो रहा है यहाँ। 2011-12 के अंदर आप लोगों को 600 करोड़ मिले, 600 करोड़ में से 580 करोड़ वापस और 29 करोड़ रुपए सिर्फ गांव में इस्तेमाल हुए। आप अगर आ जाइए 12-13 के अंदर 1300 करोड़ रुपया, उसमें से 1244 करोड़ गए वापस और 56 करोड़ ही खाली आपने इस्तेमाल किए। तो मैंने मतलब ये हुआ कि आपने 109 करोड़ रुपया तो खर्च किया इन 3 साल के अंदर और 2130 करोड़ रुपया तो गया वापस और आए मिले आपको 2231 करोड़ रुपया। अरे सिर्फ 109 करोड़ रुपया गरीब के ऊपर खर्चा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब तक चलेगा और क्या ऐसा लगता है इन लोगों को कि हम लोग किसी की समझ में बात नहीं आ रही है। अरे आपने अभी अखबार के अंदर पढ़ा होगा मिड डे मील के बारे में, जो हम लोगों ने भी अपने टाइम के अंदर अच्छा स्वस्थ भोजन अपने बच्चों के लिए इंतजाम किया। मुझे याद है कि मैं जाया करती थी गांव के अंदर और गांव के स्कूल के अंदर जहां ये भोजन दिलाया जाता था मैं खुद बैठती थी, मैं खुद भोजन उनके साथ करती थी, खाली ये देखने के लिए कि अगर मैं खा सकती हूँ तो मैं बच्चे भी खा सकते। उनको दिन में फल मिलता था, उनको मिठाई मिलती, उनको अच्छा खाना मिलता था और उसको देखने के लिए जहां जहां मैं जाती थी वैसे ही मैं खाली बैठ के स्कूल के अंदर उनका भोजन करती थी, डर के मारे खाना भी ठीक। आज आपके खाने के अंदर कभी छिपकली, कभी कीड़े, कभी चूहे, बिहार के अंदर तो 22 आदमी जाके मर गए और यहाँ मौत हो रही है, कभी एक दो बच्चे मरते, कभी एक दो बच्चे मरते, पर तो क्या हो रहा है? माने कह तो रहे हैं कि हम कह रहे हैं, अच्छा आजकल के दिन है महंगाई के, महंगाई के दिन में आज भी आप एक बच्चे की डाइट पे 3 रुपया खर्च करो, क्या बात है, कैसे चलेगा ये? 3 रुपए से कोई खाना खा सकता है क्या? आप लोग कोई खा सकते हो? ढाबे में जाओ ना,
ढाबे में भी मेरे को नहीं लगता है कि 3 रुपए का कुछ मिलेगा। अखबार वाले सब बैठे बताओ मिलेगा 3 रुपए का? अगर मिलता है तो मेरे को भी ले चलो, तो मैं भी जाके एक दफा 3 रुपए का भोजन करना चाहता हूँ। एक्सेप्ट मेरे को चूहा नहीं चाहिए उसमें, ना मेरे को कीड़ा चाहिए, ना मेरे को छिपकली चाहिए, और ना और कोई मकोड़े चाहिए उसके अंदर। मेरे को अगर भोजन दे सकते हो तो वो दे दो। आज की महंगाई में नहीं हो रहा है और आप अपने बच्चों को बीमार कर रहे हो और इस तरीके से तमाशा चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये तो ऐसे ही मजे में चलते रहेंगे क्या? 5 साल निकाल लिए है तो कोई चिंता नहीं है, पूरे राजस्थान को भ्रष्टाचार के अंदर झोंक के रख दिया है। पैसे ही पैसे, एक एक मंत्री से लेके ऊपर तक सब लोग पैसे बना बना के जा रहे हैं कि बाड़मेर से लेके कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पैसा नहीं बनाया गया ये बताया जा रहा है। बाड़मेर के अंदर तो जोरदार चोरी हुई है वो सब लोग जानते हैं, और बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, वो जोधपुर जिला है, वो सब जिलों के अंदर मेरे को ये देखने को मिल रही है। ये मैंने सब लोगों को पूछा कि बच्चे हमारे अपने क्षेत्र के अंदर, आपका ये जो हाईवे बना, ये हाईवे ने हम लोग सबकी जान इस क्षेत्र के अंदर बचाई कि नहीं बचाई? इस हाईवे को देख के लगता है कि चलो ठीक है, अपनी नाक तो इतनी नहीं कटी कि अपन गुजरात में इस हाईवे तक तो पहुंच सकते। नहीं तो मैं परसों के दिन जब गांव से निकल रही थी तो गांव वालों ने मेरे को रोक के बोला कि अरे साहब ऐसा है, हमारे 2 किलोमीटर का रास्ता है वो गुजरात का बॉर्डर है, ये 2 किलोमीटर अंदर हमारे यहाँ आता है, इसको जरा ठीक कर दो। मैं कहा पानी बिजली सब उसकी चिंता नहीं करो, पहले ये कर दो। तो मेरे को समझ में आ गया कि उसके दिमाग में क्या था। अब ये लोग जाते हैं रोज रोज गुजरात तो गुजरात का रोड देख लिया, पानी देख लिया, बिजली देख लिया, चकाचक टमाटर सब अच्छी तरह से गुजरात के अंदर। अब उनके रिश्तेदार यहाँ आते हैं तो सबसे पहले गुजरात के रोड से सीधे गिरते हैं गड्ढे में राजस्थान के। तो उनने सोचा कि भैया हम यहाँ आते हैं तो हमारी तो सबकी नाक कटती है भैया, इज्जत का सवाल है, मेहरबानी करके हमारे पानी छोड़ दो, बिजली छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस इतना टुकड़ा हमारा बना दो ताकि हमारे रिश्तेदार यहाँ आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम लोग कौन से जंगल में रहते हो। और मेरे को शर्म आती है इस बात की कि वो राजस्थान की बात अपन कर रहे हैं जिसका इतिहास में कितना बड़ा नाम था। अरे दुनिया यहाँ नहीं, आप दुनिया के लोग आते थे कि क्या जहां कहां है राजस्थान दिखाओ, कहां है वो इतिहास वाला प्रदेश हमें दिखाओ, आते थे लोग। अब कोई नहीं आना चाहता क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जहां महिलाओं के सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे, महिला जा नहीं सकती सड़क के ऊपर, सिर ऊंचा करके चल नहीं सकती, सुरक्षित नहीं है, सब महिलाएं जानती हैं। अब जब बच्चियों को नहीं छोड़ा है तो महिलाओं की क्या बात है, ये है इस प्रदेश की हालत। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये तो हमारी इज्जत का ही नहीं, हमारे नाक का ही नहीं सवाल है, हमारे पूरे रहन सहन सब चीज का सवाल है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को कह रही हूँ, माता बहने आपको मालूम है स्कूल बच्ची चली जाती है या कॉलेज चली जाती है तो कितना डर लगता है कि वो वापिस कब आएगी, लगता है कि नहीं डर, जब आएगी कि नहीं आएगी, कहीं कुछ हो गया उसके साथ क्या है, अपना दिल ऐसे धड़कता है। मैं ये कह रही हूँ कि आज स्थिति है महिलाओं के साथ, और जिस प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि महिला की कितनी इज्जत हुआ करती थी, राजस्थान जिसमें महिला की इज्जत, राजस्थान की इज्जत हमारे प्रदेश की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ था, आज हमको इस गड्ढे में से भी निकलना पड़ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे अपने पैर पे खड़े हो जाए। अब मैंने यह पता किया तो स्कूल की शिक्षा की स्थिति भी जर्जर बिल्कुल ही खराब है यहाँ। तहसील के अधिकांश जो प्राइमरी स्कूल है उसमें या 2 या 3 अध्यापक के सहारे पढ़ा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है, पिंडवाड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लंबे समय से कॉमर्स का लेक्चरर नहीं है, और कहीं और चले जाओ तो आप देखोगे ज्यादातर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर तो प्रिंसिपल ही नहीं है। अब इस तरीके से तो स्कूल है, बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जाते हैं गुजरात चले जाते हैं, कहीं कहीं और प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। राजस्थान की हालत अगर नीचे से हम नहीं सुधारेंगे तो ऊपर तक सुधरेगा नहीं, और इसीलिए मैंने सब लोगों को कह दिया है कि इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना है ताकि हमारे बच्चों को पलायन करके गुजरात नहीं जाना पड़े, उनको नौकरी गुजरात में नहीं करनी पड़े, ऐसी स्थिति हम बना के यहाँ ऐसा इंतजाम कर दें कि ये लोगों को नौकरी यहाँ मिले। अब आप देखेंगे कि 2000 पटवारी के नौकरी के लिए 12 लाख लोगों ने आवेदन किया, 12 लाख, और उसमें से 7.5 लाख लोग थे जो बेचारे परीक्षा माने फॉर्म भर के परीक्षा किए, कौन खाली 2000 लोग उसमें से निकलने वाले थे। ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो परीक्षा लगा के रखी है टेट है नाम उसका, उस टेट की परीक्षा को उसमें जोड़ के रखा है तो हमारे बच्चे उसमें चिंतित हो रहे हैं।
मैंने सबको ये कह दिया कि भैया इसका प्रबंधन हम लोग करेंगे और आप लोगों को वापस आरपीएससी के उसमें ले जाएंगे ताकि आप लोग अपने पैर पर फिर से खड़े होकर अपनी नौकरियां फिर से ले सकते, रोजगार मिले। क्यों जाएंगे गुजरात, क्यों जाएंगे गुजरात और क्यों वहां काम करेंगे? ये राजस्थान के काम करेंगे तो राजस्थान की तरक्की होगी। अगर राजस्थान सुकुड़ के ऐसे ही रह जाएगा तो प्रदेश का खत्म हो गया। अभी महानरेगा की स्थिति क्या है? आपके यहां कोई काम चल रहा है क्या नरेगा का? कोई मेरे को कहता है नहीं चल रहा है, कोई कहता है हमको इतने महीनों की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है, कोई कहता है कि अभी तक हमारी स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं को जो लुगड़ी उगड़ी मिलनी थी वो किसी को नहीं मिली। मैं सब लोगों को ये कहती हूँ कि हमारे टाइम के अंदर हमने 26 लाख लोगों को रोजगार दिया था महानरेगा में, और उन लोगों ने, मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, उन लोगों ने जो परिसंपत्ति बनाई थी राजस्थान के लिए, उन परिसंपत्तियों के द्वारा ही राजस्थान उस बीमारू प्रदेश के गड्ढे से बाहर निकल के ऊपर आया। सब लोगों ने मिलकर किया, ये खाली एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये राजस्थान की पूरी जनता उसके अंदर जुड़ी और उन्होंने ये किया। आज 1,25,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है और 13,000 करोड़ रुपया का घपला चल रहा है। बीपीएल परिवारों के बारे में इतना कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम तो आपको पेंशन दे रहे हैं, अब चुनाव आ गया तो पेंशन मिल गया। 4.5 साल क्या कर रहे थे हमने? भामाशाह की योजना महिलाओं के द्वारा चालू की थी, अगर 800 करोड़ रुपए उस समय इस्तेमाल कर लिया होता तो आप लोगों को तब से पेंशन आज तक मिल रही होती, परंतु इन्होंने नहीं किया। पैसा भी वही बैंकों में पड़ा है, अभी भी 200 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल कर लिया होता तो बीपीएल के परिवार हैं उसमें, एससी एसटी हैं उसमें, लघु और सीमांत कृषक हैं, इन लोग सबको फायदा हो जाता। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीपीएल का कभी एक किसी किस्म का इंक्वायरी हुई क्या? नए बीपीएल को जोड़े गए क्या? कहीं कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जिनको बीपीएल होना चाहिए वो बीपीएल नहीं है और जिनको नहीं होना चाहिए वो बीपीएल है। ये तो ऐसी स्थिति बना के राजस्थान के अंदर रखती है। इसकी जब तक समीक्षा नहीं होगी, और सबसे पहले इनको समीक्षा करनी चाहिए थी, ऐसे लोग जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है वो बीपीएल की तनख्वाह पा रहे हैं और जिन लोगों को बीपीएल का मदद मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, इसका क्या मदद है भाई? इसकी क्या, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कैसी सरकार है? और फिर इस सरकार की इतनी हिम्मत कि वो आपके पास आए और आपको कहे कि हमने ऐसा ऐसा पहली बार राजस्थान में काम किया, तो ऐसा काम किया, क्या काम किया? हाँ, पहली बार राजस्थान के अंदर राजस्थान ऐसा प्रदेश बन गया है जहां सबसे ज्यादा महिला अत्याचार, जहां एसटी पे अत्याचार, जहां एससी पे अत्याचार, ये सबसे ज्यादा हो गए, पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर। तो ये कोई तमाशा बना के रखा है कि नाम लेंगे गरीब का और काम करेंगे वो जो इनको मदद करता है? अभी परीक्षाएं वगैरह सब हो रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपने लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने परिवार के लोगों को टीचर बना दिया, अपने परिवार को उनके लोगों को जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बना दिए, तब तो आपने कोई परीक्षा नहीं करवाई। और अब हमसे कहते हो कि हमारे बच्चों का परीक्षा करवाएंगे तो लेक्चरर नहीं बन सकता, वो कौन सी ये, किस तरीके की अन्याय है ये? इसीलिए मैं आप लोगों सबको कहना चाहती हूँ कि ये सब की आंखें खुल गई है। सब जानते हैं कि ये सरकार 4.5 साल में कुछ नहीं किया और ये 4 महीने में लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये सब काम हम सब मिलके करेंगे। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि राजस्थान के अंदर आज दिन तक 53 साल उनके हो गए, 65 साल निकल गए भाइयों। आपने मुझे 5 साल दिए, भैरव सिंह जी को 7 साल दिए, अगर उनको हटा देते हो तो इनको मिले हैं करीबन 53 साल। इस 53 साल के अंदर अगर किसी के हाथ में ये ऐसा प्रदेश मिल जाता तो चमन हो जाता भाइयों आज तक। परंतु देखो इनने क्या करके रखा, बीमारू प्रदेश और बीमार, हमने बड़ी मुश्किल से तो अपने पैरों पे खड़ा करने की उसको कोशिश कर दी थी, इस 5 साल के अंदर 10 साल पीछे करने का काम इस सरकार ने किया। और कहती है कि हमने पेट्रोल निकाला, अरे तुमने नहीं पेट्रोल निकाला, ये तो हमारी भूमि की देन है, ये हमारी भूमि की देन है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने 1947 में निकाल दिया तो तुम क्या कर रहे थे? कर ही लेते तब, तब तो हम कहते कि हाँ तुमने काम किया है। और आप देख लेंगे कि इनके बहुत जो विज्ञापन बन रहे हैं उस विज्ञापन में रिफाइनरी के बड़े बड़े पिक्चर्स, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। हम पूछते हैं कि ये विज्ञापन है तो कहाँ है, ये फैक्ट्री है तो कहाँ है? राजस्थान में तो लगी नहीं है अभी तक, राजस्थान के अंदर खाली भूमि का धंधा हुआ है, यहाँ लगेगी यहाँ भूमि बेच ली, यहाँ लगेगी फिर वहां बेच ली, अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि वो लगने वाली कहाँ है, चाहे यहाँ लगेगी कि नहीं लगेगी। वहां पेट्रोलियम मिनिस्टर ने आके फीता काट दिया, यहाँ मनमोहन सिंह जी आ जाएंगे, कल कोई और आ जाएगा, हमें क्या मालूम है कहाँ लगेगी ये फैक्ट्री और हमारे कितने बच्चों को उसमें नौकरी मिलेगी, कोई बता सकता है?
कोई नहीं बता सकता भाइयों, अब ये आपके बीच में, चार महीने बचे हैं तो अब आपके बीच में आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि साहब पैर पड़ के तुम ही मेरे माई बाप, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही मेरे परिवार, तुम ही सब कुछ हो, और हम तो गरीब अन्नदाता के पीछे पीछे चल रहे हैं। हमने तुमको पेंशन दे दिया है, हमने तुमको लैपटॉप की बजाय में पैसा दे दिया है, हमने तुमको महिलाओं को चुनरी और ओढ़ने की बजाय पैसे दे दिए हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो हमने कह दिया भैया तुम दो दो जोड़ कुर्ता पजामा भी ले जाओ, हमने उनको ये कह दिया अरे पैसे किस चीज के लिए चाहिए, तुम सब पैसे ले जाओ। पैसे, पैसे से हमारी जिंदगी बनेगी क्या? हमें रोजगार दो, हमको अपने पैरों पे खड़ा करो, हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर फैक्ट्री लगाओ और हमें ये वादा करो कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो हमको मिलेगी और सही टाइम पे मिलेगी, तब तो हमारी वोट की बात करो। ये राजस्थान की जनता है, ये राजस्थान की जनता स्वाभिमानी और इज्जतदार जनता है। इन्होंने घास की रोटी खाई थी परंतु इन्होंने आज दिन तक अपनी इज्जत और ईमान के साथ किसी को खेलने नहीं दिया और ना आगे खेलने देंगे। इसलिए भाइयों मैंने ये सोच रखा है कि हम लोग सब मिलके चलेंगे तो एक नया राजस्थान बनाएंगे, एक ऐसा सुंदर राजस्थान जो युवाओं के लिए नौकरी देने वाला, जो अच्छी तरह से व्यवसायियों के लिए फैक्ट्री और दुकानें धरवाने वाला, एक ऐसी फैक्ट्री जिस, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें महिला अपने पैर पे खड़े होके अपना सिर ऊंचा करके चल सके, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारे किसानों को मजबूत बनाने का हम काम करें, उसको इधर उधर भागने की जरूरत ना हो, उसको सही टाइम पे बिजली, उसको सही टाइम पे पानी, उसको सही टाइम पे बीज, उसको सही टाइम पे खाद, और जब फसल आती है तो बाजार में वो ले जाएगा तो उस फसल की अच्छे दाम, ऐसी स्थिति उसको भी हो। बताएंगे अगर हमने कि हमने आपको लोन देना है तो हम लोन दें, आपको दौड़ाए नहीं। मैं पूछूं किसान भाई, आपको वो लोन मिला जिसकी बात ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहे हैं 1,50,000 बिना ब्याज के हम किसानों को देंगे, मिला किसी को? मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। मैं किसान भाई यहाँ बैठे, किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने ये कहा कि जहाँ पाला पड़ा, जहाँ ओलावृष्टि हुई, वहाँ हम मुआवजा देंगे, आप लोग किसी को मुआवजा मिला? किसी को मुआवजा मिला? हमने आपको, जब हमने मुआवजा दिया था तब हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा मुआवजे के लिए सरकार दिल्ली की ने पैसा नहीं इंतजाम किया था, उसके बावजूद भी हमने मुआवजा का इंतजाम किया। आज उनको पैसे मिल रहे हैं, सीआरएफ के पैसे अलग से लगाए दिए गए हैं और उसमें पाला और ओलावृष्टि भी जोड़ी गई है, परंतु आपको पैसे नहीं मिल रहे। हमें तो ये जयपुर के अंदर बता दिया कि बहुत सुंदर सा पैकेज हमने किसानों को दे दिया, उसमें बिजली की कमी, हमने यूनिट कमी कर दिए, उसमें हमने दाम कम कर दिए, और आप मेरे को ये कह रहे हो हाथ ऊपर करके कि आपको कुछ नहीं मिला। क्षेत्र के अंदर तो आप मेरे को ये सच्चाई बता रहे हो और जयपुर के अंदर तो सब ऐसा वातावरण बन रहा है कि मालूम नहीं किसानों के लिए क्या नहीं करके रख दिया है सरकार, कुछ नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता है ये हमारे पैर पे, अपने पैर पे खड़े हो जाए और पैर पे खड़े होकर मजबूती के साथ राजस्थान को बनाने का काम करें। ये सब चारों पांचों लोग जब एक हो जाएंगे तभी तो आएगा भाइयों मजा। तो मैंने कहा जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको एक और बता दूं, ये बंबई का किस्सा है, आपको मजा आएगा। ये है जयपुर के भास्कर का काम, वो कहते हैं कि जो परेल इलाके के अंदर एक भोजनालय, वो भोजनालय ने अपने बिल के अंदर नीचे, आपने पढ़ा, नीचे छापना शुरू कर दिया यूपीए सरकार के लिए रुपया खाना ब्रैकेट 2G कोल व कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर ब्रैकेट को जरूरत बन गई है, और इसी ऐसी रेस्टोरेंट में भोजन करना लग्जरी है भोजनालय में, इसलिए ग्राहकों से हमने सेवा शुल्क लेना शुरू कर दिया, अब एक सेवा शुल्क उसमें जोड़ दिया। उन्होंने कहा सब लोग कर रहे हैं तो अपन भी काहे को पीछे हटे, अपन ने भी जोड़ दिया उसको, इतने जोर से लिखा के दे दिया। अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या है ये दुनिया, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर यही तमाशा होगा क्या? हमें चाहिए वो राजस्थान जिसकी इज्जत सब पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर हो, ऐसा राजस्थान जो गुजरात के साथ खड़ा हो सके, जो मध्य प्रदेश के साथ खड़ा हो सके, जिसकी इज्जत ऊपर तक जाए। हमें किसी के सामने घूमना नहीं है, वो नहीं कहना है छिप छिप के कि हाँ हम राजस्थान के। मध्य प्रदेश को देख लीजिए 10 साल के अंदर कहाँ पहुंच गया, 15 साल के देख लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया, और ये सब अगर हो सकता है तो क्या हम लोग मिलकर राजस्थान नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये पीछे वाले मेरे को बताओ कि ऐसा राजस्थान बनाना है कि नहीं बनाना है, और अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये राजस्थान 36 के 36 कौम का, और ये राजस्थान सब मजहब का,
जब पूरा परिवार एक होके चलेगा और कभी किसी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, तब ये राजस्थान होगा समृद्ध, तब ये राजस्थान होगा खुशहाल, तब ये राजस्थान होगा वो राजस्थान जिसका आपने सबने सपना देखा है। तो तैयारी है तो बताओ दोनों हाथ ऊपर करके कि हाँ तैयारी है। डरोगे तो नहीं, जब ही आपको धमकाएंगे, आपको बंद करेंगे, आपके ऊपर केसेस लगाएंगे, तो डरोगे नहीं? डरोगे तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, एक जोरदार आवाज ऐसे गूंजनी चाहिए, जय जय राजस्थान। आओ हम लोग साथ चल के इस पूरे राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने का काम करें।